ये कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही साथ दुनिया भर में जब खाद और यूरिया के दाम पिछले 3-4 वर्षों में बढ़े, हमने कोई दाम भारत के किसानों पर खाद और यूरिया का नहीं बढ़ने दिया। लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी मोदी सरकार ने दी है। और यही नहीं, मेरे कुछ सवाल श्रीमान खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हुड्डा जी से हैं, क्योंकि किसान विरोधी कांग्रेस है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर हुड्डा जी ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के अगर अध्यक्ष थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कराकर किसानों को उनका हक क्यों नहीं दिलाया। मेरा तीसरा सवाल है, एमएसपी की लीगल गारंटी कांग्रेस ने 8 साल में क्यों नहीं बना कर दी। मेरा चौथी सवाल है कि कांग्रेस ने आखिरकार 10 साल में मात्र 5.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद क्यों की, जबकि मोदी सरकार ने 10 साल में 18,28,000 करोड़ रुपए की एमएसपी पर खरीद की है। पांचवा, कांग्रेस का बजट 2014 में कृषि का 25,762 करोड़ था, हमारा इस साल का बजट 1,27,000 करोड़ है, 1,00,000 करोड़ ज्यादा है। मेरा छठा सवाल, सम्मान निधि 0 क्यों थी कांग्रेस के समय, हम हर साल लगभग 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि में देते हैं। मेरा सातवां सवाल, कांग्रेस के जमाने में खाद और यूरिया की कमी क्यों रहती थी, आज हमने खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं और खाद और यूरिया के हमने दाम भी नहीं बढ़ने दिए। मेरा सातवां सवाल हुड्डा जी और कांग्रेस से ये है, किसानों की जमीन हड़पने का काम कांग्रेस ने क्यों किया था, औने पौने दाम में खरीद क्यों की और मुआवजा भी मात्र 2 रुपये मिला। किसी किसान को अगर 500 रुपये मिला तो उसको 1,000 रुपये में पहले बैंक खाता खुलाने के लिए कई बार चक्कर काटने पड़े। हुड्डा जी, राहुल जी, खड़गे जी, आपको किसानों को जवाब देना होगा कि आपकी सरकार में खाद की कमी के कारण इन पर लाठियां बरसाई जाती थी। और मेरा खड़गे जी से विशेष रूप से सवाल है कि आपके अपने राज्य कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की है, 1200 किसानों ने आत्महत्या की, खड़गे जी आप 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए और उन 1200 किसानों को मदद के रूप में कांग्रेस ने क्या दिया। श्रीमान राहुल गांधी जी 1200 किसानों के घरों में क्यों नहीं गए, आज हरियाणा में आकर उनको किसान याद आता है, जहां के किसान को खुशहाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लेकिन कर्नाटक में मरने पर मजबूरी उन्होंने किया। क्यों नहीं खड़गे जी और राहुल गांधी जी हिमाचल के किसानों के पास गए, जिनको चुनावों से पहले 10 गारंटियां देकर कहा था कि साहब सेब की और जो ऐसे फल हैं उनकी मुंह मांगे दाम दिए जाएंगे फसलों के। सेब वालों को अपनी फसलें पानी में पिछले साल बहानी पड़ी। राहुल गांधी जी और खड़गे जी कहां गायब थे। हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां इन्होंने दी और 10 की 10 फेल हुई, कोई अभी तक पूरी नहीं हुई। किसानों से 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। एक भी किसान से नहीं खरीदा, एक भी किसान से नहीं खरीदा है।